हाँ जी हरी राम जी, हम लड़की देखने आए हैं। आप ऐसे करो, उस लड़की को बुलाओ। क्यों नहीं जी, अभी लो। बेटा संतरो, ओ बेटा संतरो, बेटा चाय लेके आइयो। कितना हसीन चेहरा, कितनी प्यारी आंखें। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। बेटे आप बैठो यहाँ। हाँ हरिराम जी, हमें लड़की पसंद है। आप बताओ हम बरात लेके कब आएं? ए मिनट पिताजी, मैं लड़की से अकेले में बात करना चाहता हूँ। हाँ क्यों नहीं बेटा, जाओ बेटा इसके साथ जाओ, अकेले में दिल खोल के बातें करो बेटा। देखो जी, मैं आपसे कुछ पूछूं तो आप सच सच बोलना, झूठ मत बोलना। जी पूछिए, मैं सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। तो आप मुझे बताइए, आपका कोई प्रेम व्रेम का चक्कर तो नहीं चल रहा ना? नहीं जी, मैं इस बुराई से कोसों दूर। देख लो, कोई स्कूल के टाइम का कोई किसी के साथ कोई अफेयर रहा हो, कोई प्रेम व्रेम का चक्कर हो, हमारी शादी होने वाली है ना। देखिए मैं स्कूल में पढ़ने जाती थी, प्रेम वेम करने नहीं जाती थी। देखो मुझे सुबह नाश्ते में तो आलू के पराठे पसंद है, दोपहर में मुझे भिंडी खाना पसंद है, और रात के खाने में मैं शिमला मिर्च बड़े शौक से खाता हूँ। और आप मेरा फोन नंबर नोट कर लो, और मेरा फोन नंबर है 92605 69575। एक मिनट जी, मेरा कोई जरूरी फोन आ रहा है, मैं अटेंड करके अभी आता हूँ। हेलो, आप कौन बोल रहे हो जी? हेलो, मैं आपकी फेसबुक फ्रेंड रिया बोल रही हूँ, आप कैसे हो? अरे मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो जी? मुझे ना आप मत बोला करो, जानू कह के बुलाओ, अच्छा लगेगा। अरे जानू। अच्छा मुझे ये बात बताओ कि कल हम कहाँ मिलेंगे, तुम कहाँ रहते हो? अरे जानू, तुम तो मेरे दिल में रहती हो। आप ना मजाक मत किया करो, बताओ ना कहाँ रहते हो? अरे जानू, मैं दिल्ली के चांदनी चौक में रहता हूँ। सच्ची? मैं भी जामा मस्जिद के बिल्कुल पास में रहती हूँ। फिर एक काम करेंगे, कल दोपहर 12 बजे हम चिड़ियाघर के पास मिलेंगे, ठीक है? हाँ ठीक है, डन, अभी फोन रखता हूँ। अरे मेरे बॉस का फोन था, कल बॉम्बे मुझे मीटिंग के लिए जाना है, तो मैं आपसे क्या पूछ रहा था? साले हरामी, सच सच बता किसका फोन था? अरे मेरे बॉस का फोन था, और किसका था? हरामी सच सच बता, वरना दो एक जुत्ती। मैं सच बोल रहा हूँ जी, झूठ नहीं बोल रहा। हद कर दिया आपने, हद कर दिया आपने। रिकॉर्डिंग सुनाऊं क्या? उससे जो फोन पर रिया बन के बात कर रही थी ना, वो मैं ही हूँ। तू अभी थोड़ी देर पहले मुझसे क्या पूछ रहा था कि आपका कोई बॉयफ्रेंड है? अब तू मुझे बता कि तेरी कितनी गर्लफ्रेंड है? लड़कियों पे तो तुम एक मिनट में उंगली उठा देते हो, कभी अपनी गिरेबान में झांक के देखा है क्या? मुझसे गलती हो गई जी, मुझे माफ कर दो। अब तो ध्यान से सुन, तो सबके सामने अपनी इस गलती की माफी मांगेगा और अपनी गलती भी मानेगा, वरना तेरा वो हाल करूंगी कि तू खड़े खड़े
जामे में पेशाब कर देगा, समझा क्या? समझ गया जी। चल अब आप जो कहोगे वही होगा। चल खड़ा। आपने समझा हो गई, बिन बादल बरसात है, हद कर दी आपने। पिताजी मैं इस लड़की से शादी नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? इस लड़की में कोई कमी है? पिताजी कमी इस लड़की में नहीं है, कमी मुझ में है। जो पैसे आप मुझे पढ़ाई के लिए देते थे ना, उन पैसों से मैं लड़कियों को रिचार्ज करवा के देता था, उनसे फोन्स पे बातें करता था, उनको होटलों में ले जाके खाना खिलाता था, बाइक पे घुमाने ले जाता था। पिताजी मैंने आपके बहुत पैसे बर्बाद किए हैं। तूने मेरी श्राप्त का नजायज फायदा उठाया है। आराम फूर। सुखराम जी आप तो कह रहे थे ये लड़का बहुत शरीफ है, ये क्या निकला? मुझे पता नहीं था हरिराम जी कि लड़का ऐसा निकलेगा। मैंने तो सुना था कि इनका लड़का बहुत शरीफ है। मुझे माफ करना, मुझसे गलती हो गई। हरिराम जी मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मेरी औलाद नकम्मी निकली। आप ठीक कह रहे हो जी, हम जब किसी के लड़की देखने जाते हैं तो लड़की में 100 कमियां निकालते हैं और हम अपने लड़के की कमियां नहीं देखते। प्रिय दर्शकों मेरा आप सबसे यही अनुरोध है कि जब लड़के वाले किसी के घर लड़की देखने आते हैं और वो लड़की की जांच पड़ताल करते हैं तो आपका भी फर्ज है कि आप लड़के की जांच पड़ताल करें ताकि लड़की का भविष्य सुरक्षित हो और उसका जीवन बर्बाद होने से बच सके। और बहनों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।